ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूना का एक पौराणिक वर्ग नहीं मानता था कि वर्ण जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित है और वेदों पर सबका अधिकार है। पूना में स्वामी जी के भक्तों ने उनके सम्मान में एक शोभा यात्रा निकाली जो इस मकान बैरिस्टर महस्के के घर से प्रारंभ हुई थी। महस्के साहब, स्वामी जी के शोभा यात्रा के सारे प्रबंध कर लिए गए? हाँ साहब, कल की शोभा यात्रा के सारे प्रबंध हो चुके हैं। हाथी घोड़े बैंड बाजे सब प्रबंध हो चुके हैं। उनकी सुरक्षा का भी हमें पूरा ध्यान रखना होगा और कुछ सेवक हर समय स्वामी जी के आसपास रहेंगे और स्वामी जी को बिल्कुल आभास नहीं होना चाहिए। आप स्वामी जी से हाथी पर बैठने का आग्रह कीजिए, उनकी शान तो हाथी पर बैठने में ही है। विनती करके देख लेंगे, वैसे स्वामी जी मना कर देंगे, वो पैदल ही चलना पसंद करेंगे। विरोधियों ने भी एक विरोध यात्रा निकाली। दयानंद की शोभा यात्रा की पूरी तैयारी हो गई है? हाँ साहब, दयानंद गधे का झूल और उसके स्वागत के लिए गोबर कीचड़ पानी ईंट वगैरह सब इंतजाम हो गया है साहब। दयानंद जिंदगी भर पूना को याद रखेगा। हमारे गधे का नाम होगा गर्दबानंद सरस्वती। दयानंद की यात्रा के साथ साथ गर्दबानंद सरस्वती की यात्रा भी भीड़े के बाड़े में साथ ही पहुंचेगी। वहां सभी घरों में उनके स्वागत की सारी सामग्री रखवा दी गई है। जैसे ही उनकी शोभा यात्रा वहां पहुंचेगी, गोबर ईंट कीचड़ से उसका स्वागत होगा। दोनों शोभा यात्राएं सायं 7:30 बजे भिड़े के बाड़े पहुंची जहां स्वामी जी का व्याख्यान होना था। स्वामी जी की शोभा यात्रा पर ईंट और पत्थरों की बारिश हुई। घरों की खिड़कियों और छतों से कीचड़, गोबर और पत्थर बरसते रहे। पूना के भक्तों का विश्वास और धैर्य प्रशंसनीय था, जो इस सब के बाद भी हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। शाहजहांपुर जिले के चांदापुर गांव के दो जमींदार भाइयों ने आपसी धार्मिक मतभेदों को हमेशा के लिए मिटाने के उद्देश्य से चांदापुर में एक मेला आयोजित किया। इसमें देवबंद के मौलवी मोहम्मद कासिम, बरेली के पादरी स्कॉट और आर्य धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी जी ने भाग लिया। इस मेले में परमेश्वर ने जगत को किस वस्तु से, किस समय और किस उद्देश्य से रचा, ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं, ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है, वेद, बाइबल और कुरान के ईश्वरवाणी होने का क्या प्रमाण है, मुक्ति क्या है और वो कैसे प्राप्त होती है, इन 5 विषयों पर सकारात्मक वाद विवाद हुआ। इस मेले का नाम था ब्रह्म विचार मेला। वैदिक धर्म की सच्चाई के सामने कोई न ठहर सका। मुक्ति क्या है? दुखों से छूटने का नहीं, बल्कि पापों से बचने और स्वर्ग में पहुंचने का नाम मुक्ति है। खुदा की मर्जी है, जिसे चाहे मुक्ति दे, जिसे चाहे ना दे। यदि हाकिम किसी पर नाराज हो जाए तो उसे और भी कड़ा दंड दे सकता है और खुश हो जाए तो उसे छोड़ सकता है। सब दुखों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहने और जन्म मरण में ना गिरना ही मुक्ति है, और यह मात्र सत्कर्मों से ही प्राप्त हो सकती है। अच्छा, आप लोग ये बताएं, ईश्वर ने सृष्टि को कब और कैसे बनाया? खुदा ने सृष्टि को अपने स्वरूप से बनाया है। कब और कैसे बनाया है, ये सवालात गैर जरूरी है। हमें रोटी खाने से मतलब है, न कि कब पकी, कैसे पकी, कहां पकी। इससे ईश्वर ने सृष्टि को नास्ति से बनाया,
उसके बनाने के वर्षों का हमें ज्ञान नहीं। इस संसार के सुख के लिए ये सृष्टि रची गई है। ईश्वर ने सृष्टि को कब बनाया, इसका उत्तर केवल वैदिक धर्म ही दे सकता है। वैदिक धर्मानुसार सृष्टि को बने हुए प्रायः 2 अरब वर्ष हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये संख्या लिखी है और भूगर्भ शास्त्र भी इसकी पुष्टि करता है। ओ भाइयों, ओ दयानंद की लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई ना, तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भूखों मरने की नौबत आ जाएगी हमारी। जब से दयानंद लाहौर आया है, मेरी गद्दी जजमानों से खाली हो गई है। एक हफ्ते से जन्मपत्री कुंडली तक बनवाने नहीं आया कोई। इसका क्या उपाय करें? लाहौर के जितने बड़े रईस हैं ना, वो हम में से किसी न किसी के जजमान हैं। उनसे कह दो दयानंद नास्तिक है, अंग्रेजों का एजेंट है, कोई भी उसे घर में अपने बाग में शरण ना दे। वो सबसे पहले जहां वो रह रहा है ना, उसे वहां से निकलवा के सड़क पे खड़ा कर दो। बस यही एक उपाय बचा है उसका, और दूसरा कोई नहीं। और फिर देखते हैं कितने रह गए वेदा का प्रचार करता है, वड्डा आया वेदा वाला।